तो अगर आप एक BTS आर्मी हो, एक ब्लिंक हो, तो आप लोगों के लिए ये न्यूज़, ये रूमर्स बिल्कुल भी नए नहीं होंगे। पिछले 2-3 साल से हम हर रोज नाश्ते से ज्यादा ये रूमर्स सुबह सुबह उठकर खा रहे हैं। एकता कपूर के इतने सभी सीरियल्स के सीजन में लाकर नहीं आए होंगे जितने अकेले वी और जैनी के आ चुके। और पिछले 1-2 हफ्ते में कई ऐसी न्यूज और कई ऐसी एविडेंस हमें मिली जिससे वी और जैनी की डेटिंग साबित करने की कोशिश की गई। फिर चाहे वो जैनी का किम तेयोंग के घर में रहना हो, वी और जैनी का एक जैसे इंस्टाग्राम पर DP चेंज करना हो, किम ही जून जो फेमस फोटोग्राफर है उनका वी और जैनी दोनों के साथ एक साथ दोस्ती में होना, जैनी के दोस्त का किम तेयोंग को फॉलो करना। लेकिन अब इन सारे रूमर्स के बाद ये तो साबित नहीं हुआ कि वी और जैनी डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जरूर हो गई है जिसकी वजह से बहुत सारी टॉक्सिक आर्मी या फिर कहूँ बहुत सारे फैंस, नेटिजन्स जैनी को बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ, इन नेटिजन्स का कहना है कि ये सारे रूमर्स, ये सारी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ हमेशा जैनी की वजह से होती है, क्योंकि BTS मेंबर तेयोंग तो फिलहाल मिलिट्री में है, उनकी वजह से कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जैनी हमेशा अपने इंस्टाग्राम पर इस तरह की कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई फोटो अपलोड करती रहती हैं जिस वजह से उनके और वी के डेटिंग रूमर्स वायरल हों। और इसे लेकर बहुत सारी आर्मी का कहना है कि जब जब किम तेयोंग अपना कोई नया म्यूजिक वीडियो, अपनी कोई एल्बम रिलीज करते हैं, ये अक्सर होता है कि उनके डेटिंग के रूमर्स आ जाते हैं और बहुत सारे फैंस उनकी स्ट्रीमिंग की जगह इन सारे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। और फैंस को ऐसा लगता है कि जब तेयोंग ने अपनी फ्रेंड्स म्यूजिक वीडियो के लिए अपना एक ब्लैक एंड व्हाइट कोट वाला फोटो लगाया था, तो जैनी ने भी उसी सेम टाइम पर उसी तरह के एक फोटो लगाया जिससे सारे रूमर्स एक बार फिर स्टार्ट हुए। लेकिन बाद में जैसे ही किम तेयोंग को ऐसा फील हुआ कि उनके डेटिंग रूमर्स इस फोटो की वजह से आ रहे हैं, तो वी ने अपना फोटो चेंज कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि वी और जैनी दोनों का ही ये फोटो फेमस फोटोग्राफर ही जून ने जापान में लिया था। बट आर्मी, आपको नहीं लगता कि इसमें जैनी को हिट करना या ट्रोलिंग करना सॉल्यूशन नहीं है? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वी और जैनी की एक जैसी फोटो एक ही टाइम पर मिली, बाकी रही कसर हमारे नल्ले शेपर्स पूरा कर देते हैं जो बिना लॉजिक के कोई ना कोई एडिटिंग कर, कोई ना कोई एविडेंस जोड़कर जैनी की स्टोरीज को, वी की स्टोरीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वजह इसके कि हम उनकी हर बात में डेटिंग के रूमर्स ढूंढें, हमें उन्हें उनकी लाइफ जीने देना चाहिए, उन्हें प्राइवेसी देनी चाहिए। ये तो था मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोगों को इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।